नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 4 कार्य पुस्तिका गणित के बारे में बातचीत करेंगे और उनके कार्य पत्रक नंबर 79 और 80 के बारे में अपन बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। अधिगम के क्षेत्र जो है वो आंकड़ों का प्रबंधन है अपने पास, ठीक है, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का दिनांक लगा देते हैं, 7 अप्रैल 2021। आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ, आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। अधिगम बिंदु में है, चित्रालेख की सहायता से पैमाने की समझ विकसित करना है। इससे पहले भी अपन ने पैटर्न के बारे में बातचीत की थी, आंकड़ों की समझ के बारे में बात की थी, और जो अपने को आंकड़े दिए गए थे उनको सुव्यवस्थित करना था, पैटर्न को आगे से आगे विस्तार करना था उस पैटर्न का, उन सबके बारे में अपन बातचीत कर चुके हैं। यहाँ देखिए ये लिखा है, पहले प्रश्न में शिक्षक कक्षा कक्ष में बच्चों के बैग तथा बैग की सामग्री निकलवाकर निम्न सारणी को पूरा करवाएं, ठीक है। जो कक्षा में बच्चे बैठे हैं या विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनके बैग को खाली करें और उनके बैग से संबंधित उनके बैग में जो जो भी सामान निकल जाते हैं उनके बारे में उनको उनके सामान को देख कर इस अपने को जो ये पूरी की पूरी ये सारणी दे रखी है सामग्री को निकलवा कर, ये सारणी को पूर्ति करनी है और उसके हिसाब से अपने को उनकी संख्या लिखनी है, ठीक है। देखो, दो वस्तुओं के लिए स्टार का निशान लगाना है, स्टार का चिन्ह, तथा एक के लिए टेली 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 का निशान लगाना है, का प्रयोग करें। जैसे कक्षा कक्ष में कितने बच्चों के बैग खोले गए, तो 11 बच्चों के बैग ओपन हुए, ठीक है। ये 2, 4, 6, 8, 10 और 1 टेली का निशान है, यानी 11, ठीक है। 11 बैग ओपन किए गए। अब उन 11 बैग क्या, यहाँ पर संख्या आ गई 11। अब देखो इन 11 बैग में क्या क्या निकले, हर एक बैग में पेंसिलों की संख्या बात करें तो किसी के पास एक एक पेंसिल भी होगी तो 11 पेंसिलें तो होगी, ठीक है। तो मैं स्टार का निशान लगाता हूँ, मेरे को स्टार थोड़ा कम बनाना आता है, मैं इस टाइप से बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, 11 बैग में किसी किन्हीं बच्चों के पास 2 पेंसिल, किन्हीं के पास 1 पेंसिल, किसी के पास 3 भी निकल गई होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि बच्चों के पास इन 11 बैग में 21 पेंसिलें निकली, ठीक है ना। तो 21 पेंसिलें निकली, इसका मतलब क्या है, 20 तो पूरे के पूरे स्टार, 10 तो पूरे के पूरे स्टार चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने बने, 3, 3, 6, 3, 3, 9 बना दिए, और एक ये 10 तो स्टार बना दिए मैंने, एक जो है मैंने ये टेली का चिन्ह लगा दिया, तो ये कितने हो गए, 10 दूना 20 और 1 21। इन 11 बैग में 21 पेंसिलें निकली। किताबों की बातचीत करें अपन, मान लें हर एक के बैग में चार किताबें थी, तो 11 चौक 44 कितनी किताब हो गई, 44 किताबें हुई, 44 किताबों को 2 से भाग लगाऊं मैं, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 2 से भाग लगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, है ना। तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी, 22 कितने स्टार लगाने पड़ेंगे अपने को, 22 स्टार लगाने पड़ेंगे, तो 22 स्टार लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21 और ये 22। कितने स्टार लगाने पड़ेंगे, 44 किताबें टोटल निकली है बैग से, तो उनके लिए 22 स्टार लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 11 बैग थे तो बॉक्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, बस ये का ही बना दीजिए वापस, 11 होंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 10, 5 तो स्टार लगेंगे और एक 5 तो स्टार लगेंगे, ठीक है। मैं मान लें 11 बैग थे तो 11 बैग में एक एक बॉक्स सब में निकले तो 11 बॉक्स हो जाएगी, तो ये 2 बॉक्स, ये 4 बॉक्स, ये 6 बॉक्स, ये 2 और 8 बॉक्स, ये 10 बॉक्स और एक खड़ी पाई। कॉपियों की बात करें अपन, मान लें 3 या 4 कॉपी भी हो, 3 कॉपी भी मान लें तो 11 दिया 33 कॉपियाँ तो होगी उसमें, 33 कॉपियों के हिसाब से इसमें 2 का भाग लगा मैं, ठीक है, तो 16 तो पूरे के पूरे स्टार, ठीक है, 2 का भाग लिया, 16 दूना 32, 16 तो पूरे के पूरे स्टार और एक खड़ी पाई, तो 16 स्टार बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 और एक खड़ी पाई 33 हो गई। शार्पनर हर एक बच्चे के पास एक एक तो हो गई, एक बॉक्स में एक तो हो गई, तो 11 शार्पनर मान लें, किसी के पास दो हुए तो 12 मान लीजिए, तो 6 स्टार लग जाएंगे। 6 2 12 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये काम पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। तालिका को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक वस्तुओं का नाम लिखिए, तो सबसे ज़्यादा तो क्या होगी, या तो किताबें होंगी उन सभी बैग में, या फिर क्या होगी कि कॉपियाँ होंगी। तो अपन ने क्या किया, सबसे ज़्यादा किताबें की 44 किताब, सबसे ज़्यादा क्या किए किताबें 44। और उसके बाद सबसे कम वस्तु का नाम लिखिए, तो सबसे कम क्या है, हर एक के पास एक एक बैग ही है, एक बैग से ज़्यादा नहीं है, तो या तो बैग में एक एक बॉक्स होगी या बैग है, तो अपन ने क्या कर दिया, बैग कर दिए, 11 बैग और 11 ही बॉक्स। ये इस प्रकार से अपन ने सारणी बना ली। वो 11 बच्चे जो जिनके 11 बैग चेक किए थे उनमें क्या क्या सामग्री निकली, उन सबकी एक सारणी बना ली। आगे चलते हैं कार्यपत्रक 80 के अंदर। कार्यपत्रक 80 के अंदर क्या कह रहे हैं इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। चलिए कार्यपत्रक 80, आज का दिनांक है 7 अप्रैल 2021। देखिए आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ सॉरी चलिए देखते हैं। इकट्ठा की गई जानकारी को सारणी, चित्रालेख या दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर निष्कर्ष निकालिए। एक कक्षा के छात्रों की पसंद की मिठाई को चित्रालेख द्वारा दिखाया गया है, उनके पसंद की मिठाई को चित्रालेख के द्वारा दिखाया गया है। मिठाई पसंद करने वाले छात्र, ठीक है, और स्माइली 3 छात्र। गुलाब जामुन एक स्माइली का मतलब 3 छात्र, 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, तो ये 18 गुलाब जामुन। चलो ये नाम नहीं लिखेंगे अपन, केवल संख्या लिख देंगे। जलेबी कितनी है, जो छात्र हैं, जो पसंद करने वाले छात्र हैं, क्या लिखा है, एक कक्षा में छात्रों की पसंद की मिठाई को चित्रालेख द्वारा दिखाया है, तो 18 छात्र, यहाँ गुलाब जामुन नहीं लिखेंगे, यहाँ छात्र हैं, ठीक है, 18 छात्र। कितने छात्र हैं, 18 छात्र हैं जिनको गुलाब जामुन पसंद है, 3 6 3 9, 9 छात्र ऐसे हैं जिनको जलेबी पसंद है, और 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15, 15 छात्र ऐसे हैं जिनको लड्डू पसंद है, और 6 छात्र ऐसे हैं जिनको बर्फी पसंद है, ठीक है। अब प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। स्माइली को अपन ने 3 माना है, क्योंकि अपने कहा गया था पहले एक स्माइली का मतलब क्या होता है, 3 छात्र। चलिए सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए जलेबी पसंद करने वाले छात्र कितने हैं। जलेबी पसंद, तो जलेबी की देखिए यहाँ पे 9 छात्र, कितने छात्र हैं, 9 छात्र हैं जिनको जलेबी पसंद है। कौन सी मिठाई सबसे कम पसंद की गई, तो ये 6 वाली 6 क्या है, बर्फी, तो बर्फी को सबसे कम पसंद किया गया, बर्फी को। कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद की गई, तो सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन पे गए हैं, 18 छात्र ऐसे थे जिनको क्या पसंद था, गुलाब जामुन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम फिर से अगले प्रश्न के बारे में बातचीत करें। कक्षा 4 के छात्रों की पसंद के फल इस प्रकार हैं। एक स्माइली का मतलब 5 छात्र मानकर चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, यानी जो भी छात्रों की संख्या दी गई है उसमें मैं 5 का भाग लगाऊंगा। 5 का भाग लगाते ही, या 5 का पहाड़ा बोल दीजिए, 5 8 40, 8 स्माइली बनेगी। कितनी बनेगी, 8 स्माइली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये डायग्राम जो बना है उसके हिसाब से 8 स्माइली बनी, इसका मतलब 40 छात्र है जिनको केले पसंद है। आम के बारे में बातचीत करें, 5 के पहाड़े में 9 45 कितनी बार में आते हैं, 9 बार में आते हैं, तो 9 स्माइली बन जाएगी। सबसे पहली बात तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, स्माइली को पूरा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7
आठ और ये नौ, ठीक है। तो 45 बच्चों को आम पसंद है, उनकी स्माइली अपन ने बना के चित्रालेख में दर्शा दी है। सेब कितने जनों को पसंद है? 25 जनों को, 25 छात्रों को सेब पसंद है। पाँच के पाड़े में 25, पाँच में 25, पाँच, तो पाँच स्माइली बनेगी। एक दो तीन चार और ये पाँच, एक दो तीन चार पाँच बन गई। अनार 10 छात्रों को पसंद है, पाँच के पहाड़े में 10, दो बार में आते हैं, दो स्माइली बनेगी। एक और ये दो, ये दो। इस प्रकार से कार्यपत्रक 80 खत्म होता है। कार्यपत्रक 79 और कार्यपत्रक 80 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।